नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत हमारे इस अभियान इंटीग्रल हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य में। हमारी यज्ञमयी संस्कृति और गौरवशाली अतीत सभी का वैज्ञानिक आधार है। अध्यात्म विद्या से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। अध्यात्म विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से सभी अन्य विज्ञानों की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया, अग्निहोत्र में गाय के शुद्ध देशी घृत का जब हम समर्पित करते हैं तो 10 ml घी की मात्रा से 1600 लीटर वायुमंडल की अन्य गैसें ऑक्सीजन में रूपांतरित हो जाती हैं। प्रोपिलीन ऑक्साइड वर्षा को आमंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। वह चावल वगैरह अन्य जो हवन में उपयोग करने वाली सामग्रियां हैं उनसे फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइड्स और एथिलीन ऑक्साइड्स वगैरह ये गैसें भी उत्पन्न होती हैं। हमारा संपूर्ण वातावरण शुद्ध होता है। आज हम बात करेंगे गौमाता की पांचों गव्यों का, हमारे इन पांचों महाभूतों से किस प्रकार एकीकरण है। गोमय यानी गोबर पृथ्वी तत्व को इंगित करता है। गोमूत्र वायु तत्व को इंगित करता है। गोदुग्ध जल तत्व को बताता है और गाय का घी अग्नि तत्व को तथा छाछ या तक्र ये आकाश तत्व को इंगित करता है। इन सभी पांचों महाभूतों का गौमाता के पांचों गव्यों के साथ एकीकरण या हमारे चारों तरफ के वातावरण और सूर्य से प्राप्त ऊर्जाएं, जिनमें मुख्य रूप से प्रज्ञा ऊर्जा और क्रिया ऊर्जा दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं, जो हमें सतत सूर्य के विकिरण के द्वारा इस भूमंडल पर प्राप्त होती रहती हैं। क्रिया ऊर्जा तो अन्य सभी प्राणियों में समान रूप से, जैसे घोड़ा इत्यादि जो हॉर्स पावर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन प्रज्ञा ऊर्जा की बहुतायत गौमाता के द्वारा उसकी पीठ पर जो सूर्य केतु नाड़ी है उसके द्वारा उपलब्ध होती है। गौमाता के पांचों गव्यों में इन विकिरणों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे हम आगे के वीडियोज में भी आपको क्लियर करेंगे, लेकिन आज हम मुख्य रूप से गौमूत्र के वैज्ञानिक आधार की बात करते हैं। मेरे पास कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में पेटेंट किए गए हैं, वो हैं न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, इसके अलावा कुछ रिसर्च वर्क है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का विवरण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ मैं इनको बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपकी जानकारी के लिए मोटे रूप से बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स का 25 जून 2002 का एक पेटेंट है, फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन कंटेनिंग काउ यूरिन डिस्टिलेट एंड एन एंटीबायोटिक। ए फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन कंप्राइजिंग एन एंटीबायोटिक एंड काउ यूरिन डिस्टिलेट इन एन अमाउंट इफेक्टिव टू एनहांस एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक इज डिस्क्लोज्ड। द एंटीबायोटिक कैन बी एन एंटी फंगल एजेंट, द एंटीबायोटिक कैन बी ए क्यूनोलोन और फ्लोरोक्यूनोलोन। ये एक पेटेंट है। इसी के आधार पर शायद भविष्य में फिफ्टींथ जुलाई 2002 को द टेलीग्राफ
न्यूज़पेपर ने यूरिन थेरेपी रिटर्न्स इस तरह एक न्यूज प्रकाशित की है, यू सर्टेनली वॉन्ट सेंस साइलेंट सीवेज रनिंग डाउन द स्पाइन्स ऑफ द बिग विंग इन द वर्ल्ड्स फार्मास्यूटिकल कॉन्ग्लोमेरेट्स। देयरफॉर व्हाट इंडिया इज इफ एंसेंट एंड नाउ नियरली फॉरगॉटन विजडम वॉज ऑन द मार्क। So what if the cow urine begins eat way into drug companies' profit? So what if the white powder obtained by cooking cow urine could really, as promised in the latest patent granted by the US Patent Office to Indian researchers, drastically reduce the dosage of modern drug on the treatment of illness? Patent number so and so and might deal with a wonder substance isolated from cow urine. It might enhance the activity of several antibacterial and antifungal agents and at least one anti-cancer drug by 2 to 80 times, even a tenfold increase in activity. It means that a patient who would normally required 5 gram, means 5000 mg of a drug over 5 days might get well in just 500 grams when it was administered इन द काउ यूरिन एक्सट्रैक्ट। अगर गौमूत्र के साथ एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके और एंटीबायोटिक्स की क्वांटिटी को घटा दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। फार्मास्यूटिकल एक्सरसाइजेज मैनी नॉट हैव लर्नड हाउ टू हैंडल थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग देयर बिजनेसेज स्कूल डेज। If it lives up to its promise, it will emerge as the biggest business challenge encountered by the pharmaceutical industry since discovery of penicillin in the 20th century. But you can bet they will not be too worried. In fact, they must already be trying to figure out ways to handle the situation that might created by the phoenix-like rise of cow urine from ancient Indian wisdom. With the cow urine extract as a complement to several anti-infective agents and anti-cancer drugs, sale of these will plummet. मतलब ये बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरने वाली स्थिति हो सकती है इन ड्रग्स के साथ। द फार्मास्यूटिकल जायंट्स विल देमसेल्व्स इन्वेस्ट इन काउज दैट विल सर्टेनली ओपन द फ्लड गेट्स फॉर द इंजेक्शन ऑफ मासिव फंड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू और वेलकम इनटू द कंट्रीज नेग्लेक्टेड गौशालाज। ये न्यूज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का एक और पेटेंट है May 24, 2005 का, यूज ऑफ बायोएक्टिव फ्रैक्शन फ्रॉम काउ यूरिन डिस्टिलेट गौमूत्रा एज ए बायो एनहांसर ऑफ एंटी इन्फेक्टिव एंटी कैंसर एजेंट एंड न्यूट्रिएंट्स। एक और पेटेंट है May 18, 2010 यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट ऑफिस, कंपोजिशन फॉर प्रोटेक्टिंग एंड फॉर रिपेयरिंग डीएनए फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड ए मेथड देयर ऑफ
ऑक्सीडेटिव डैमेजेज से जो डीएनए डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर के लिए भी गौमूत्र की एक अहम भूमिका है। इसको भी इस के लिए पेटेंट किया गया है। कीमोथेरेपेटिक पोटेंशियल ऑफ काउ यूरिन ए रिव्यू, एक ये रिव्यू आर्टिकल है, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। मैं इसके कंक्लूजन पे जाता हूँ। ऑन एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑफ काउ यूरिन ऑन फ्रेश काउ यूरिन हैड बेटर एक्टिविटी देन सीयूडी, एक्टिविटीज ऑफ एफसीयू एंड सीयूडी फ्रॉम इंडिजीनियस काउज वॉज सिमिलर टू स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरासाइक्लिन। आयुर्वेदा ऑल्सो मेंशंस दैट द फ्रेश काउ यूरिन ऑफ इंडिजीनियस काउ इज द बेस्ट। ये एक जर्नल है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, एंटीफंगल इफेक्ट ऑफ काउज यूरिन डिस्टिलेट ऑन कैंडिडा स्पीसीज। कॉन्टिन्यूस इमरजेंस ऑफ एंटीफंगल रेजिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब वॉज नेसेसिटेटेड ए क्वेश्चन फॉर द फ्यू एंटीफंगल एजेंट्स। काउ यूरिन थेरेपी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर हैज शोन सक्सेस इन क्यूरिंग द 10 पेशेंट विथ लॉन्ग टर्म फंगल इन्फेक्शंस ऑफ थ्रोट वॉज रेजिस्ट टू ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट। जो ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट को रेजिस्ट कर चुके थे वो लोग काउ यूरिन की हेल्प से ठीक हो गए। ये इसमें भी कंक्लूजन पे आता हूँ। फ्रॉम द स्टडी इट इज एविडेंट दैट काउ यूरिन डिस्टिलेट हैज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन कैंडिडा स्पीसीज, देयर ऑफ सीयूडी कुड बी एन अल्टरनेटिव टू द प्रेजेंटली यूज्ड एंटीफंगल ड्रग्स टू combat the existing problem of antifungal resistance. Hence, this study is of clinical and public health importance. ये एक article है based on research, anti-urolithiatic effect of cow urine ARC ऑन एथिलीन ग्लाइकोल इंड्यूस्ड रीनियल कैल्कली। ये यूरोलिथियाटिक इफेक्ट में जो यूरिनरी ट्रैक मूत्राशय यूरेटर एंड किडनीज इन सब में जो ऑक्सीलेशन या जो स्टोन क्रिएशन या रिनियर कैलकुलीज जो डेवलप हो जाती हैं उनके ऊपर इनके इफेक्ट की स्टडी है। ये इसके कंक्लूजन पे आता हूँ। काउ यूरिन आर्क शोड द सिग्निफिकेंट एंटी यूरोलिथियाटिक इफेक्ट एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज्ड रिनियल फंक्शन इन प्रिवेंटिव एज वेल एज द ट्रीटमेंट ग्रुप्स। इट प्रोबेबली एग्जर्ट्स इट्स एक्शन बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीलेट एक्सक्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन इनहिबिशन। द फर्दर स्टडीज आर रिकमेंडेड टू नो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन डिफरेंट क्लिनिकल एंड पैराक्लिनिकल ट्रायल्स।
एनालिसिस ऑफ काउज यूरिन फॉर डिटेक्शन ऑफ लीपेज एक्टिविटी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। ये भी 14-15 पेजेज का रिसर्च वर्क है। इसके कंक्लूजन पे आता हूँ। फ्रॉम द एनालिसिस एंड रिजल्ट्स रिकॉर्ड अबो इट वॉज कंक्लूडेड दैट द काउज यूरिन वॉज हाईली इफेक्टिव एंड सुटेबल इनहेबिटिंग कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ द फंगाई एंड बैक्टीरिया। The ancient Ayurveda literature emphasized the antimicrobial activity of cow urine, and this research helped ascertain the fact. Also, cow urine was concluded to be one of the best natural source of the lipase enzyme. The excellent lipase activity within the urine sample makes it a highly efficient therapeutic in curing the many diseases. एक और ओरिजिनल रिसर्च पेपर, एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम लेवल एंड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ काउ यूरिन। इसमें भी कंक्लूजन पे है, कैल्शियम बीइंग ए पोटेंशियल सेंट्रल रेगुलेटर इन वुंड हीलिंग इन स्किन एंड इट्स सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन काउ यूरिन इन एडिशन टू इट्स एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी शोज दैट द काउ यूरिन हैज पोटेंसी टू कंसीडर फॉर द टॉपिकल एप्लीकेशन इन केस ऑफ स्किन वुंड्स। ये भी आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख सकते हैं। मैं इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि काउ यूरिन और अन्य पंचगव्यों का भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार है, और हम वैज्ञानिक आधार पे ही आगे के वीडियोज में इसमें बात करेंगे। आज के लिए मात्र हम गौमूत्र के ऊपर ही हम बात कर सके हैं, कल हम अन्य गवियों पे बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति।